सफाई के लिए सजा लिया था पूरा मजमा। हुजूर ने थपथपा डाली खुद की पीठ, हो गई फजिया। बच्चियों के साथ कर दिया सबसे बड़ा धोखा। अब मुंह छिपाते फिर रहे नेता, कट गया पवार। चुनाव से पहले माहौल बनाने की हो रही थी कोशिश, हुजूर की कोशिश पर फिर गया पानी। मजमा सजा हुआ था, दुल्हन बनकर बैठी बच्चियों को इंतजार था कि हुजूर आएंगे तो गरीब परिवारों का कल्याण हो जाएगा। उधर हुजूर की निगाहों में चुनाव में जीत के ख्वाब पल रहे थे कि सरकारी खजाने को लुटाकर देखिए कैसे सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन ये तमाशा ज्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि जब गरीब बच्चियों से धोखे का फंडा फूटा तो मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिल पा रही। व्यापम घोटाला क्या कम था जो कन्यादान योजना में कर दिया खेल, अब लग रही लताड़, पड़ रही फटका। ये मध्य प्रदेश है बाबू, ये ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। नौकरी के नाम पर खेल हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बड़ा घोटाला हो जाता है, पता ही नहीं चलता। घोटाला उजागर करने वाले गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कुछ समझे? नहीं समझे, चलो बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के सागर में कई बेटियों की शादी हुई, सामूहिक विवाह समारोह चल रहा था। खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, एक एक बच्ची को अपने हाथ से सामान बांटा था, जिसमें रंगीन टीवी भी था। उम्मीद थी कि साल के आखिर में जब वक्त चुनाव का आएगा तो हुजूर की सियासी दुनिया काली सफेद नहीं रहेगी। कार्यक्रम खत्म हुआ, हुजूर लौट आए, तभी पता चला कि टीवी बच्चियों के हाथ में थमा कर आए थे वो नकली था, जो सिर्फ शोपीस था। मतलब दिखता तो टीवी जैसा ही था, लेकिन डिब्बा खाली था, चल ही नहीं रहा था। जिसके बाद तो हड़कंप मच गया कि कंपनी का स्टिकर लगाकर नकली सामान परोस दिया गया और उसी नकली सामान पर असली सत्ता का ख्वाब सजाया जा रहा। स्पेशल डेस्क द कंटाल।